हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम एनेलीडा आज हम सभी एनेलीडा के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे आइए शुरू करते हैं फाइलम एनेलीडा ये जो टर्म है एनेलीडा ये एक लैटिन वर्ड एनीुलिस जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग और ग्रीक वर्ड एडोज़ जिसका मीन्स मतलब होता है फॉर्म इनमें जितने भी एनिमल पाए जाएंगे उनकी बॉडी में लिटिल रिंग फॉर्म होगा यानी कि इनकी बॉडी क्या होती है सेगमेंटेड होती है तो रिंग लाइक -like स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा इनकी बॉडी में कुछ इस तरह से तो ये जो सेगमेंट्स से, है सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते अर्थ वॉम का या क्लैम या लीच ये सभी एनेलिडा के एग्जाम्पल है और ये जो एनेलिडा टर्म है ये लेमार्क ने दिया था द टर्म वॉज कॉइन बाई लेमार्क एनेलिड्स आर इलॉन्गेटेड बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड हाईली ऑर्गेनाइज एनिमल्स ये इलॉन्गेटेड होते हैं इनकी लंबी सी पतली सी बॉडी होती है ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज इट मीन्स कि इसके पहले जो फाइलम था उनके मुताबिक ये क्या है उनसे कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज है अपियरेंस ऑफ मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट दियर ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट मेटामेरिज्म यानी कि जो इनकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स है सबसे एने अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो इनका जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है वो यही है कि दे आर सेगमेंटेड वाम्स इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंट्स में डिवाइड होती है तो इसीलिए इन्हें हम सेगमेंटेड वाम्स भी बोलते हैं इनका जो सिलोम है नेफ्रीडिया है ये सभी बेटर है बहुत ही बेटर है जो अनसेगमेंटेड सेगमेंटड से इससे पहले हमने देखा था प्लेटी हेलमेंट्स एसके के हेलमेंट्स यानी कि जो फ्लैट वाम थे यानी कि प्लेटी हेलमेंट्स और जो राउंड वॉर्म थे इट मीन्स कि एस के हेलमेंस उनसे अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही वेल well डेवलप्ड है इनका सिलोम नेफ्रीडिया यह पूरी बॉडी इनकी काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है दे आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अ क्लोज वेस्क्यूलर सिस्टम यानी कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा सेलेंट्राटा इन सभी फाइलम के आते आते जो सबसे पहला फाइलम है वो है फाइलम एने जिसमें कि क्लोज वेस्क्यूलर सिस्टम इट मीन्स की जो नर्व्स वगैरह है इनकी बॉडी में देखने को मिलेगी एक पैक्ड सिस्टम देखने को मिलेगा आइए जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं मोस्टली एक्वाटिक बहुत ज़्यादा पानी में भी देखने को मिलते हैं ज़मीन पर भी पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं बरोइंग और ट्यूबिकोलस बरोइंग इट मीन्स की ये क्या है ज़मीन पर जो है बरो बना करके वो रहते हैं तो उसे हम लोग ट्यूबी कॉलस भी कहते हैं सम कॉमेंसल एंड पैरासाइटिक कुछ कुछ क्या होते हैं पैरासाइटिक या कॉमेंसल यानी कि दूसरे की बॉडी पर डिपेंड करना अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेना उसे हम पैरासाइटिक बोलेंगे जैसे कि लीच जोंक जिसे हिंदी में कहते हैं सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है बॉडी इलोंगेटेड बायोलैट्रली सिमेट्रिकल लंबी सी बॉडी होती है इनकी और बाइलेट्रली सिमेट्रिकल। बाईलेट्रली सिमेट्रिकल इट मींस कि किसी बॉडी को अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर सेंट्रल एक्सिस से काटे तो वो दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए दोनों हिस्सा जो है इक्वल डिवाइड हो तो उसे हम बाईलैट्रली सिमेट्रिकल कहते हैं ट्रिप्लो इट मीन्स का जो बॉडी का लेयर है वो थ्री लेयर का होगा एम्ब्रियोनिक जम लेयर एक्टोडाम एंडोडम एंड मेजोडम मेटामेडिकली सेगमेंटेड इन सिमिलर मेटामर्स अब इनकी जो बॉडी है वो क्या है सेगमेंटेड होगी और हर एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं मेटामर्स बोलते हैं मेटामर एपिडर्मिज कवर्ड एक्सटर्नली बाई अ थिन क्यूटिकल इनका जो आउटर एपिडर्मिस है इनका जो बॉडी है वो कवर होता है क्यूटिकल से और इनका जो बॉडी वॉल होता है वो डर्मोमस्क्यूलर होता है डरमोमस्क्यूलर का मतलब होता है डर्मा मीन्स स्किन यानी कि जो इनका फंक्शन है ये कम्बाइंड फंक्शन होगा स्किन और मसल्स का लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सेगमेंटली रिपीटेड काइटीनस ब्रिस्टल्स कॉल सीटी और के टी एम्बेर स्किन लोकोमोटरी इट मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जैसे हम अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं तो इनके पास क्या होता है सेगमेंटल यानी कि हर सेगमेंट में काइटीनस ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सीटी केटी कहते हैं जो कि स्किन में धसा हुआ होता है इसके सहारे ये चलते हैं फिरते हैं मे बी बॉन्ड बाई पैरापोडिया और पैरापोडिया भी होता है पैरापोडिया जो इनका लेग है उसे पैरापोडिया ये एक मस्क्यूलेटर स्ट्रक्चर है पैरापोडिया ये प्रेजेंट होता है और इसी में क्या होता है सीटी और कैटी भी इसी से डेवलप करता है इसी में डेवलप हो रहा है तो आफ्टर ऑल जो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन्स है वो है सीटी कैटी या पैरापोडिया सिलोम ट्रू स्काइजोसिलस इनका जो सिलोम होगा वो ट्रू है स्काइजोसीलस देखिए स्काइजोसीलस स्काइजोसीलस का मतलब होता है कि इनकी जो बॉडी कैविटी होगी वो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो इनका मस्क्यूलेचर है मसल मसल सिस्टम है इसके बीच में कैविटी पाई जाएगी तो उस तरह का जो सिलोम है उस तरह की कैविटी को हम बोलेंगे स्काइजोसिलस मोस्टली वेल डेवलप्ड सभी में वेल well डेवलप्ड होती हैं बट लीचेस में ये हमें देखने को नहीं मिलती इनका जो कैविटी है नहीं होता है इसमें लीचेस में डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट यानी कि कोई कॉयलिंग नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड कंप्लीट है इट मीन्स माउथ टू एन एस होगा डाइजेशन एंटायरली एक्स्ट्रा सेल्यूलर इट मीन्स की जो डाइजेशन है वो सेल्स के बाहर हो रहा है विद इन सेल्स नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर है ब्लड वैस्क्यूलर सिस्टम क्लोज इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये क्लोज्ड है इट मीनस कि में, में आर्टरीज वेंस होंगे जिसके जिससे कि ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होगा हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्रियोरिन डिज़ोल्व इन ब्लड प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा इट मीन्स कि लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इस जिसमें कि हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्न प्रेजेंट होगा रेस्पिरेशन बाई मॉइस्ट स्किन और पारापोडिया एंड हेड यानी कि इनका जो रेस्पिरेशन है वो उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है ये अपने स्किन से पैरापोडिया जो कि इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है या हेड से ये अपना रेस्पिरेशन करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेटामेरिकली डिस्पोज्ड कॉल ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के लिए मेटामेरिकली डिस्पोज इट मीन्स कि हर एक मेटामर्स में क्या होगा नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा जिससे कि ये अपना एक्सक्रीशन करेंगे नर्वस सिस्टम विद अ पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया एंड अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बियरिंग गैंगलिया एंड लैटरल नर्व्स इन ईच सेगमेंट्स इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो भी अच्छा डेवलप्ड है जिसमें कि सेरेब्रल गैंगलिया इट मीन्स कि इनका जो ब्रेन पोर्शन है इनमें नर्व कॉर्ड होगा गैंग्लिया होंगे और बहुत सारे नर्व्स भी इनकी बॉडी में होंगे सेंसरी ऑर्गन्स इंक्लूड टैक्टाइल ऑर्गन्स सेंसरी ऑर्गन्स जिसमें टैक्टाइल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे टैक्टाइल ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेंस ऑफ टच ये बिलोंग करते हैं सेंस ऑफ टच से स्टैटोसिस्ट स्टैटोसिस्ट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन फोटो रिसेप्टर सेल्स और समटाइम आई विथ लेंसेज इन सम तो ये सारी चीजें जो हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स में हैं देखने को मिलेंगी हर्माफ्रोडाइटिक और सेक्सेस सेपरेट हर्माफ्रोडाइटिक भी होंगे इट मींस की मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होना दैट इज हर्माफ्रोडाइटिक और इनमें जो है सेक्सेस सेपरेट भी होगा क्लीवेज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज इट मींस कि जयगॉट के बाद जो डिवीजन होता है तो वो जो क्लीवेज है वो स्पाइरल या डिटर्मिनेट होगा लार्वा या तो प्रेजेंट होगा या नहीं प्रेजेंट होगा अगर प्रेजेंट होगा तो उस लार्वा को हम क्या कहेंगे ट्रोकोफोर लार्वा रीजेनरेशन इज कॉमन इट मीन्स कि अगर इनका तो कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गया तो वो फिर से उस बॉडी पार्ट को रीजेनरेट कर लेंगे तो इनमें रीजेनरेशन भी होता है क्लासिफिकेशन। एनीलिडा का जो क्लासिफिकेशन है अबाउट एट थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड नॉन स्पीशीज ऑफ एनिलीडा आर डिवाइडेड इन फोर क्लासेज करीबन आठ हजार सात सौ की स्पीशीज पाई गई हैं इनमें जिसमें इन सभी को चार क्लासेस में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ दियर मॉर्फोलॉजिकल फीचर यानी कि मॉर्फोलॉजिकली या उनमें पैरापोडिया प्रेजेंट है या एबसेंट है सी टी मेटामर्स तो प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ पैरापोडिया सी टी एक्सेट्रा तो उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर के आधार पे चार क्लासेस है एक है पोलिकेटा दूसरा है ओलिगोकेटा, थर्ड वन इज़ हीरोडीनिया एंड फोर्थ इज आर्की एंड लीडा सबसे पहला है पोलीकेटा देखिए पोलीकेटा का मतलब क्या होता है पॉली इट मीन्स मैनी केटा मीन्स हेयर तो इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है वो बहुत सारा है मैनी हेयर आइए पढ़ते हैं ची, चीफली मरीन सम इन फ्रेश वाटर यानी कि ये हारे पानी में भी पाए देखे जाते हैं और कुछ कुछ फ्रेश वाटर यानी कि लेक और पॉन्ड में भी पाए जाएंगे सेगमेंटेशन जो है इनकी जो बॉडी है वो बाहर से देखने से भी सेगमेंटेड होगी इवन इंटरनली भी इनकी बॉडी सेगमेंटेड होगी हेड डिस्टिंक्ट विथ आइज़ हेड डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अगर हम उन्हें देखेंगे तो हेड जो है एक अलग से स्ट्रक्चर हमें समझ में आएगा बट कोई कोई ऑर्गेनिजम इस तरह के होते हैं कि उनमें समझ में ही नहीं आता है कि हेड है तो उन्हें इनडिस्टिंगट कहते हैं तो इनका जो हेड है वो डिस्टिंक्ट है मीन्स कि देखने से वो कुछ दिखेगा हेड का जैसा स्ट्रक्चर जिसमें आइज प्रेजेंट होंगे पाल्प्स पाल्प्स जो होते हैं ये सेंस ऑफ टच या फिर टेस्ट में हेल्प करते हैं टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे सीटी न्यूमरस जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है लोकोमोशन के लिए जो कि पैरापोडिया से इनका ओरिजिन होता है तो पैरापोडिया भी प्रेजेंट होगा सीटी एंड पैरापोडिया इज प्रेजेंट क्लाइटेलम एबसेंट इनमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है क्लाइटेलम जो है कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है फॉर प्रोटेक्शन जो उनका एग होगा या, या यंग वन होंगे उसको वो कवर करने में ये करता है हेल्प करता है सेक्सेज सेपरेट यानी कि मेल और फीमेल जो होंगे सेपरेट होंगे और इनमें ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होगा इट मीन्स कि इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है थ्रू द लार्वल स्टेज अब ये जो हमारा पोली है इसे दो सब क्लास में बांटा गया है पहला सब क्लास है इरेंशिया जिसका एग्जाम्पल है एफ्रोडाइट पोलिनी या नेरिस सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो गया हमारा नेरिस जिसे क्लैम वॉम भी कहते हैं ये बहुत ही कॉमन है और एफ्रोडाइट को सी माउस भी बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा माउस के जैसा देखने को होता है इसीलिए दूसरा सब क्लास है सेडेंटेरिया सेडेंटेरिया का एग्जाम्पल है केट एरेनिकोला सेबेला अब यहाँ पे मैंने पोलिकटा से एक फिगर बनाया है नेरिस का जो कि बिलोंग करता है सब क्लास एरेंशिया से दिस इज़ नेरिश देखिए ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है सी टी जो कि इसे चलने फिरने में मदद करती है और ये जो फ्लैशी अपेंडेजेस आप देख रहे हैं मानसल अपेंडेज दिस इज़ पैरापोडिया तो इनमें पैरापोडिया भी प्रेजेंट है और सी टी भी प्रजेंट है जिससे ये चलते फिरते हैं ये है इसका पोस्टीरियर साइड जिसमें एन एस है और ये है आपका हेड रीज़न जिसे पेरिस्टोमियम पेरिस्टोमियम जो होता है वो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी है इसी में माउथ और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी सोमाइट्स यानी कि ये बॉडी का जो एक एक सेगमेंट है ये है सोमाइट तो ये है नैरिस का फिगर अब है दूसरा क्लास ओलिगोकेटा ओलिगोकेटा का मतलब होता है फ्यू हेयर ओलिगो मीन्स फ्यू और केटा मीन्स हेयर उनमें मैनी हेयर था और इसमें फ्यू हेयर मोस्टली टेरेस्ट्रियल यानी कि ये ज़मीन पे पाए जाएंगे और कुछ कुछ फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे सेगमेंटेशन जो है इनमें भी एक्सटर्नल और इंटरनल होगा हेड इन डिस्टिंगट यानी कि उनका हेड डिस्टिंक्ट था और इनका जो हेड है वो इनडिस्टिंक्ट है इट मीन्स कि वो कोई सेप देखने से नहीं पता चलेगा कि ये हेड ही है विदाउट सेंसरी ऑर्गन्स इनमें कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है सीटी जो है फ्यू यानी कि बहुत ही कम फ्यू हमने देखा एम्बेडेड इन स्किन और इनमें पैरापोडिया नहीं होगा जो सीटी है वो स्किन में ही एम्बेडेड होगी जैसे हमने नरिस में देखा था कि पैरापोडिया से एम्बेडेड थी सी टी टी बट इनमें स्किन में, में प्रेजेंट और सेंसरी ऑर्गन्स हेड में प्रेजेंट नहीं होगा ऑल ओवर बॉडी तो प्रेजेंट होगा ही ठीक है क्लाइटेलम प्रेजेंट यानी कि जो कोकून फॉर्मेशन के लिए इनमें क्लाइटेलम होगा ये हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं इट मीन्स कि मेल और फीमेल का ऑर्गन्स जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा डेवलपमेंट डायरेक्ट इट मीन्स कि इनमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है जो हमारा दूसरा क्लास है ओलिगोकेटा, उसे चार ऑर्डर में बांटा गया है फर्स्ट वन इज प्लेसियोपोरा प्लेसियोथेकाटा एग्जाम्पल है जिसका एलोजोमा नाइस, डेरो दूसरा ऑर्डर है प्लेसियोपोरा प्रोसोथिकाटा एग्ज़ाम्पल है एनकाइट्रियस प्रोसोपोरा थर्ड ऑर्डर है एग्जाम्पल हो गया ब्रैंकियोपडेला और चौथा ऑर्डर है ओपिस्तोफोरा एग्जाम्पल हो गया मेगास्कॉलिक्स और फेरेटीमा देखिए ये फेरेटीमा सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है अर्थवॉर्म जो कि होता है जिसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं देखिए ये है अर्थवॉर्म का फिगर जिसमें आप पेरिस्टोमियम यानी कि जो एंटीरियर रीज़न है हेड रीज़न ये है क्लाइटेलम जो कि कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये है एनस और ये है बॉडी सेगमेंटेड जिसे मेटामर्स भी बोलते हैं ये मैंने फेरेटीमा जीनस पॉस्थ्यूमाइा स्पीसीज इट इज़ अ कॉमन इंडियन अर्थ और देखिए हमने अभी तक दो क्लास देखा एक था पोलिकेटा और दूसरा था ओलिगोकेटा इन दोनों क्लास में एक चीज कॉमन थी कि दोनों ही क्लासेस के ऑर्गेनिज्म में सीटी प्रेजेंट था इट मींस कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है तो इसीलिए एक सुपर ग्रुप है केटोपोडा केटो पोडा ये एक सुपर ग्रुप है तो इन दोनों को एक सुपर ग्रुप में हम लोग इंक्लूड करते हैं पोलिकेटा को प्लस ओलिगोकेटा को अब है हमारा तीसरा क्लास हीरोडीनिया हीरोडीनिया में जो हीरोडो है इसका मतलब ही होता है इट इज अ ग्रीक वर्ड इसका मतलब होता है लीच लीच जिसे हम हिंदी में जोंक भी कहते हैं जो कि ब्लड सक करता है देखिए फ्रेश वाटर भी होते हैं मरीन भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं जनरली एक्टोपैरासाइटिक एक्टोपैरासाइटिक मतलब कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के बाहरी ओर से क्या करेंगे उसको अटैच हो जाएंगे चपक जाएंगे और उसका ब्लड सक करेंगे तो दे आर एक्टोपैरासाइटिक एंड ब्लड सकिंग बॉडी विथ फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स देखिए सभी की बॉडी में सेगमेंट्स थे बट इनका जो सेगमेंट है वो बिल्कुल ही फिक्स होगा यानी कि सिर्फ और सिर्फ थर्टी थ्री इन नंबर होगा एक अडल्ट लीच में सेगमेंटेशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ही होगा इंटरनल नहीं होगा पैरापोडिया और सी देखिए इसमें दोनों ही क्या है एबसेंट है पैरापोडिया एंड सी दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड दोनों ही साइड क्या होगा सकर्स प्रेजेंट होंगे सकरस जिससे कि वो क्या है अपनी बॉडी को दूसरे ऑर्गेनिज्म पे चिपका सके सकर इसीलिए होगा जिससे कि फिर वो ब्लड सक कर सके हर्माफ्रोडाइटिक जो हीरोन एरिया के ऑर्गेनिज्म है वो हर्माफ्रोडाइटिक होंगे फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनकी कोई लार्वल स्टेज इनमें नहीं होता है अब ये जो हमारा थर्ड क्लास है हीरोडीनिया इसे फर्दर चार ऑर्डर में बांटा गया है पहला है एकेथॉप डेलीडा एग्जाम्पल इज एकेथॉप डेला राइंस डेलीडा एग्ज़ाम्पल हो गया ग्लॉसीपोनिया प्लेकऑफ थर्ड है ग्नेथ ऑफ डेलीडा एग्जाम्पल हो गया हीरोडो इज अ लीच फैरिंग ऑफ डेलीडा एरपॉफ डेला और डीना जिसे कहते हैं यहाँ पे मैंने एक लीच का फिगर बनाया है देखिए यहाँ ये यह पेरिस्टोमियम है हेड रीजन आइस प्रेजेंट है ये बॉडी सेगमेंट्स है ये पोस्टीरियर सकर ये जो है ये सकर है ताकि ये अपने आप को दूसरे ऑर्गेनिज्म पे चिपका सके और एंटीरियर साइड में भी सकर होता है जो कि नहीं दिख रहा है जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा ये इसका डॉर्सल व्यू है और यहाँ पे एनस प्रेजेंट है तो ये है लीच का फिगर जो कि ब्लड सक करता है लास्ट क्लास है हमारा आर की एन ए अबाउट टूवल्व टू फिफ्टीन जेने ऑफ स्मॉल मरीन वॉम्स ये मरीन वॉम्स होते हैं खारे पानी में पाए जाते हैं और ज़्यादा इनमें नहीं होता है सिर्फ बारह से पंद्रह जीनस पाया जा पाया गया है अभी तक बहुत ही छोटा क्लास है सेगमेंटेशन इंटरनल इनका जो सेगमेंटेशन होगा वो एक्सटर्नली हमें देखने को नहीं मिलेगा इंटरनल बॉडी ऑर्गन सेगमेंट में होंगे नो पारापोडिया इनमें भी पारापोडिया सी सब क्या है एबसेंट है सेक्सेस इनमें सेपरेट होगा मेल और फीमेल सेपरेट होंगे यूजुअली ट्रोकोफोर लार्वा यानी कि इनमें लार्वर स्टेज होगा यानी कि डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा एग्जाम्पल है पॉलीगॉर्डियस और डायनोफिलस तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है हमारा एनिलीडा का यह है हमारा आज का टॉपिक फाइला मैंने लीडा जिसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है इनका हमने कैरेक्टर्स देखा जो कि इन्हें अलग बनाती है फ्लैट वाम्स और राउंड वाम्स से जिनमें सेगमेंट नहीं होता है उन दोनों में फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन जो है चार क्लास में बांटा गया पहला है पोली केटा, पोली केटा का एग्जाम्पल मैंने दिया नरीस का जिसे क्लैम वाम भी कहते हैं दूसरा हमारा क्लास था ओलिगोकेटा ओलिगोकेटा का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म फिर हमने देखा कि ओलिगोकेटा और पॉलीकेटा दोनों को मिला के एक सुपर ग्रुप बनता है दैट इज केटोपोडा इट मीन्स कि इनमें सीटी और केटी प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए थर्ड क्लास है हीरोडिनिया जिनमें पैरापोडिया एब्सेंट था और एग्जाम्पल हो गया लीच और सबसे लास्ट में क्लास है आर्किन तो ये है हमारा आज का टॉपिक फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच